ये I think, 2014 की बात है अच्छा। जब मैंने पहली वीडियो अपनी डाली थी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ऐसा होगा कि आ, जैसे आप भी वीडियो बनाते हैं तो आ, लोगों की हेल्प होती है और वही फीडबैक वापस आता है कि मैंने भी जब वीडियो बनाई थी एक फोन को रूट कैसे करना है छोटी चीज बनाई थी वो कुछ लोगों को दस लोगों को पसंद आई ऐसे दस के बीस तीस चालीस पचास ऐसे करते रहे और अब आई थिंक नौ दस साल होने वाले बट अभी भी वो सेम फीलिंग अभी भी वो सेम एनर्जी मुझे फील होती है अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा हाँ? पहले कि सुना होते है उनको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं रिव्यूज करने के तो क्या ये बात सच है झूठ है अगर सच है तो कितना पैसा मिलता है मतलब मैं, <laughs> मैं जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो हमेशा हमारे होते हैं ब्रांड पे करता है एक स्मार्टफोन को हमारे चैनल के ऊपर सामने दिखाने के लिए और कभी कभार वो लॉन्च के पहले आ जाता है बट ज़्यादातर केसेस में वो हमारे ही शब्द होते हैं और मतलब ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जैसे अगर ब्रांड का बिहाइंड द सीन बताना है या फिर एक फ़ोन लॉन्च के पहले से रिव्यू करना है या फिर ऑडियंस को थोड़ा सा गिव गिवे करना है पंद्रह बीस फोन का जो निकले नहीं है तो उन सब में ब्रांड की कोलाबोरेशन ज़्यादा काम रहती है बट हमको ऐसा है कि हमको इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे और जो हमने चीजें बिल्ड करी हैं वो काफी अच्छी हैं और YouTube आर्टिसन से अच्छा खासा पैसा जाता तो तो इंडिया के आई थिंक आप टॉप फाइव में होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेक यूट्यूबर्स में इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप हम नंबर वन पे होंगे इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स

जो ऑडियंस है उसने साथ साथ आ, ग्रो करा है और साथ साथ चीजें देखी हैं तो इसलिए वो समझते हैं कि मैं क्या चीज़ है क्यों कर रहा हूँ मैं इंग्लिश से हिंदी में बनाने लगा था तो उसके बाद कॉलेज से कैसे कैसे मैंने ग्रो करा है। तो लोग वो जर्नी में भी इतना इंटरेस्टेड है जितना वो स्मार्टफोन uh, में इंटरेस्ट है इसीलिए लोग uh, जुड़े रहते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं सबसे पहले तो थैंक यू सर यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे यहाँ पे लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड सर uh, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी तो आपको कई सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी लाइक like, अगर मैं टेक जर्नी की ही बात करूं तो काफ़ी सारे आपको एरर आए होंगे लाइक कोई प्रॉब्लम है स्पेशली uh, टेक्निकल में वर्क करने के लिए आपको ये चीज़ नहीं आ रही वो चीज़ नहीं आ रही बुक्स प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल रही है फिर भी आपने अपनी कंसिस्टेंसी मेनटेन रखी एक्सटर्नल फैक्टर्स को पीछे छोड़ के तो वो कैसे करा आपने मतलब मैं ये जानना चाहती आपसे मेरे से ना एक क्वेश्चन पूछा था एक आ, हमारे साथ एक पर्सन काम करता उसने कि आप कंसिस्टेंट कैसे हो आप चार बट एक हफ्ते में हम तीस से चालीस पीस ऑफ कॉन्टेंट डाल देते हैं और सारे बिजनेस भी चला लेते हैं तो मेरा ये उससे क्वेश्चन था कि आप कब वीडियो बनाते हो क्योंकि वो भी वीडियो बनाता था तो उसने बोला जब मेरा मन करता है मैंने बोला जब मन नहीं करता तब क्या करते हो होता तो तब नहीं बनाता मैंने बोला जब मेरा मन नहीं करता मैं तब भी बनाता हूँ तो आई थिंक मैंने तक दिमाग में लगाया कि मैं कि, कैसा फ़ील कर रहा हूँ कैसा मेरे लग रहा है क्योंकि मैं जेनविनली बिलीव करता हूँ कि आपको वो करना चाहिए जिसकी ज़रूरत है और उससे अगर लोगों की हेल्प हो रही है चीज़ें लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसको कर लेता हूँ और मैं बस करता रहता हूँ तो आई um, थिंक वही जो स्ट्रगल है वही जो बेकार वाला टाइम है उसी में मजा आता है अब वो स्टोरी है ना कि लाइक मैं ये स्टोरी इसलिए सुना पा रहा हूं कि लाइक हाँ भाई शुरू में दिक्कत हुई ये हुई तो अब सुन के मजा आता है अब सुन के हंसी आती है बट अगर मैं वो मेहनत नहीं करी होती तो वो स्टोरी में भी मजा नहीं आता जैसे दाल चावल है ना घी तड़का डाल के अगर पड़े रखे हैं उसको अगर आप रोज खाते हो तो मजा नहीं आएगा बट अगर आपने मेहनत करी अगर आप जिम वम करा सुबह उसके बाद जब आप खाओगे ना

जवाब आपसे मांगता हूं जॉब से रिलेटेड कितने लोग हैं यहां पे जो जॉब करते हैं हाथ ऊपर करो जब मन नहीं होता है जो कि कभी भी नहीं होता है जॉब पे जाने का जाते हुए नहीं जाते हो तो जाना है तो जाना है क्यों जाना है क्योंकि वहां से पैसा मिलने वाला है तो पैसे के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए तो हम कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है इस काम में जो ये कर रहे हैं इनकी मर्जी है इनको कोई ऊपर से बोलने वाला नहीं है कि आज तुम्हें वीडियो डालनी ही है या आज तुम्हें करना ही है

मैं आलस आलस में पूरा दिन रहता था फिर रात में जाके मैं से बना के डाल देता था तो मेरा ऐसा है कि मैं ना एक गोल को पकड़ के इतना हो जाता हूं कि दिन रात बस फिर उसी पे लगा रहता हूँ तो मतलब मेरा कोई ऐसा रूटीन या ऐसा कोई टाइम नहीं होता बट अभी आपने हाँ। कहा कि जब आपका मन नहीं भी होता हाँ तब भी आप वीडियो बनाते हो तब हाँ। भी आप कंटेंट बनाते हो हाँ, हाँ बट वो पता नहीं उसको मैं डिसिप्लिन बोलूंगा कि मैं उसको उसको क्या बोलोगे जब मन बोल नहीं कर रहा फिर भी आप कर रहे हो अच्छा बिकॉज यू आर ऑब्सेस विद गोल हाँ और वो गोल क्या होता है आपके माइंड में मतलब वो गोल नंबर्स होता है कि इतने सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए जैसे 10 मिलियन चाहिए या इतना पैसा चाहिए में, या में, क्या होता है वो गोल सबसे पहली चीज तो मेरे को लोग दिखते हैं कि जैसे मेरे को ये दिखता है कि

ऐसे क्वेश्चन पूछ करके तंग तो नहीं हो रहे नहीं, नहीं, हाँ। हाँ, आपसे वो, वो क्या है, कि देखो, जो एक कर रहे है हो सकता, उससे पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है जैसे इलोन मस्ट जो कर रहा है हो सकता है उससे डायरेक्टली कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है बट उसकी जो एनर्जी है उसकी वजह से एक मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो इनकी भी जो एनर्जी है दैट इज इंफेक्शियस क्योंकि अभी देखो ना कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर वन में टेक यूट्यूबर बनने वाला हूं मैं ये करने वाला हूं मैं बिजनेस बिल्ड करने वाला हूं इस एनर्जी की जरूरत है एक्चुअल में हमारी कंट्री को बहुत जरूरत है क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी और उसकी बातें ना करें ऐसी बातें करें जो थोड़ा सा जिसमें पागलपन हो थोड़ा सा कुछ ऐसा हो कि जो लोगों को सुनकर के विश्वास ना हो ऐसे लोग चाहिए मैं पूरी दुनिया को एक क्रिएटिव दुनिया देखना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूँ कि अभी जैसे लोग बस सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है या पानी की कमी है पानी पूरा भरा पड़ा बस एक ऐसी मशीन चाहिए जो समुन्द्र का पानी नॉर्मल पानी में कन्वर्ट कर बिल्कुल एक चीज जो मिसिंग मेरे को लगती है वो है माइंडसेट तो आपको और, लग रहा है कि आप वहां पे अपना रोल प्ले अच्छे से कर रहे हो हाँ कि लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा खुले दिमाग खुले हाँ जिस हिसाब से आप गेस्ट को क्वेश्चन करते हैं उनके अंदर अंदर की चीज़ें निकालते हैं आई थिंक वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब काफ़ी सारे ऐसे ऑन्टरप्रनोरस होते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो छुप के काम करते हैं जो बताते नहीं ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से जब एक स्टेज दिया जाता है और जिस हिसाब से आप उनको क्वेश्चन करके उसी को एक जैसे मैं भी हम भी वही करते हैं कि हम मसाला ऐड करते हैं थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक हो जाता है तो उस हिसाब से जब ऑडियंस तक पहुंचता है तो आई थिंक उससे ऑडियंस का बहुत फ़ायदा होता है तो इसके लिए मैं डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करूंगा और मेरे को ये ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा मेरा क्वेश्चन कि आप कैसे को को हैंडल करते हो 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 और और कैसे आप मोटिवेटेड रहते जैसे मेरा भी एक चैनल हैं सो अभी मेरे को एक साल हो चुका है, और कुछ 700 है, एक साल चुका कुछ सब्सक्राइबर्स बट में मैंने अपलोड कर मोटिवेट तो रखते कि आएगा। मैं तो में नहीं रखता। मेरे से <laughs> मालिका जी इनको पैसे नहीं पूछाई थे क्या? <laughs> मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैं चीजें करता रहता हूँ उससे लोगों का फायदा होता है और वही वापस आता है और कभी वो करने में मजा नहीं आता कभी मतलब मैं कभी कभार क्या सेवेंटी परसेंट ऑफ टाइम मेरे को तो नहीं आता मैं ज्यादातर ऐसी चीजें करता हूँ जो मुश्किल होती हैं जिनमें हालत खराब हो जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जिम भी जाते हैं ना हम जिम जाते हैं तो मेरा तो कभी जिम जाने का मन नहीं करता मेरा तो कभी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता बट मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि अगर सौ साल जीना है तो जिम जाना पड़ेगा और सेम चीज़ उसके लिए भी है कि जैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो मेरा मन नहीं करता बट मैं कर देता हूँ ये और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा मैं तो सोचता भी नहीं और जब ऑडियंस से रिस्पॉन्स आता है ना और जब लोगों का फायदा होता है तब रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई चीज़ें कर रही है तो मेरे ख्याल से वो जो वाई है ना वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है मैं पे थोड़ा सा और बिल्ड करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर को आपने बोला कि मेरे को एक साल हो गया है मैंने 173 सेवेंटी थ्री अपलोड कर दी अभी तक, अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो मोटिवेटेड कैसे रहे तो यहां पे मोटिवेशन की नहीं मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा एक बार उठाने के लिए लेकिन उठ गए हो चल पड़े हो तो आपका गोल इस तरफ है लेकिन आप मोटिवेटेड होकर के इस तरह भाग रहे हो वो मोटिवेशन आपको फायदा दे रहा है नुकसान कर रहा है समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से आपको खड़े करने के काम आएगा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग और मेरी नाइन्टी परसेंट वीडियो इसी बारे में है तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और मैं भी उस बात से एग्री करता हूं कि आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन मोटिवेशन मोटिवेशन क्या होता है टेम्पररी होता है कुछ दिनों के लिए होता है तभी तो आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत अलग <laughs> तो आपको क्या समझना है उनके थंबनेल में ऐसा क्या है उनके कीवर्ड्स में ऐसा क्या है उनके टाइटल में ऐसा क्या है लोग सर्च क्या कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है लोग सर्च कुछ और कर रहे हैं मैं कुछ और वीडियो डाल रहा हूं तो बेसिकली यहां पर काम आता है क्वेश्चनिंग माइंड कैसा क्यों हो रहा है आपको रुक जाना है गोल इधर है और आप मोटिवेट होकर भागते चले जा रहे हो आप कह रहे हो साल हो गया मैं गोल तक पहुंच नहीं पाया हूं लेकिन अब मैं कैसे मोटिवेट हो जाऊं दस साल तक भागता रहूं अरे ना भैया नहीं भागना डिमोटिवेट हो जाओ रुक जाओ अपने आप से क्वेश्चन पूछो ऐसा क्यों हो रहा है सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है गोल अचीव हो क्यों नहीं रहा है और जिनका हो रहा है उनका क्यों हो रहा है आपको सोचना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने इमोशन को साइड में हटाना पड़ता है कभी लाइक like, उदासी है खुशी है कैसा डिमोटिवेशन है मोटिवेशन है उन सबको साइड में हटा के जो रिक्वायर्ड है वो करना चाहिए और आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से पावरफुल एक चीज़ होती है क्योंकि मैं भी देखता हूँ ना कि लाइक like, मैं जब खुश होता हूँ तो मैं अच्छा काम नहीं करता जब मैं उदास होता हूँ तब तो मैं अच्छा काम नहीं करता जब मैं डीमोटिवेटेड हूँ मोटिवेटेड हूँ तब मैं अच्छा काम नहीं करता मैं बेस्ट काम तब करता हूँ जब मैं इन सारे इमोशन से परे हो जाता हूँ ऐसा जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ मेरा मैं, जो मैं फील करता हूँ जैसे माइक टाइसन है जो वो बॉक्सिंग कर रहा है आ, वहाँ पे रिंग के अंदर अगर वो खुश है उस टाइम पे तो पिटेगा <laughs> और अगर जो वर्ल्ड का टॉप का चेस प्लेयर है जो चेस खेल रहे हैं तब तो अगर उदास है या खुश है तो सही मूव नहीं कर पाएगा सेम कोई भी स्पोर्ट आप देखोगे जब वो प्लेयर खेल रहा है जो प्लेयर आगे बढ़ रहा है तो ना खुश है ना उदास है वो फोकस्ड है अपनी चीज के ऊपर तो मैं उस फोकस में विश्वास रखता हूं और जो नीडेड है वो मैं करने में विश्वास रखता हूं मैं लाइक इमोशन इमोशन में ज्यादा विश्वास नहीं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग